हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान के इतिहास और संविधान में कितना अनुच्छेद है, संविधान को कितना बार संशोधन किया गया है और संविधान में कितना भाग है, ये सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य का संचालन किया जाता है, यानी कि किसी भी देश या राज्य को चलाया जाता है। तो चलिए भारतीय संविधान के इतिहास को देखते हैं। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान के लिए पहली बार चुनाव किया गया था और इसके लिए दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक भी कराया गया था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद। संविधान का जब निर्माण किया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां था, लेकिन अभी के समय वर्तमान में इसमें 417 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब तक 127 बार संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद में लाए गए, लेकिन इसमें से मात्र 105 ही संशोधन पारित किया गया, यानी कि 105 को ही अभी तक संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान के लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे तथा इसमें कुल 389 सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।